हाई एवरी वन वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार माई डियर फ्रेंड्स टूडे वी डिस्कस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्पोर्टिंग इरर्स क्वेश्चन फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग स्पोर्टिंग इरर्स से संबंधित क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स यदि आप लोग यू पी टी जी टी पी जी टी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी फ्रेंड्स यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड की जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स यदि क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन देख लीजिए फाइंड आउट इरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस प्रत्येक सेंटेंस में इरर फाइंड आउट करना है इरर को ढूंढना है इफ़ आइनिंग यदि कोई इरर हो इफ दियर इज नो इरर इस सेंटेंस में कोई इरर नहीं है कोई त्रुटि नहीं है योर आंसर इज ई तब आपका आंसर क्या हो जाएगा ए होगा ओके ये क्वेश्चन जो है ए बी सी डी ई पार्ट में डिवाइड है यदि आप लोगों को लग रहा है पार्ट ए में इर है तो आंसर पार्ट ए होगा पार्ट बी में इरर है तो बी होगा सी मिरर होगी तो सी होगा डी मिरर होगा तो डी होगा यदि सेंटेंस राइट है कोई एरर नहीं है तब आंसर क्या होगा ए e होगा ओके okay? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपियर इन द नेक्स्ट मीटिंग नो एरर रिस्पॉन्स इमिडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी या फिर ई नो no no एरर ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग नो एरर फ्रेंड्स यहाँ पार्ट सी में इरर है पार्ट सी में इरर है क्या इरर है काइंडली और रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं होता है यहाँ पर जो काइंडली है ये सुपरफ्लूवस है यहाँ पर काइंडली को रिमूव करना पड़ेगा काइंडली को हटाना पड़ेगा क्योंकि काइंडली और रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ में नहीं होता है फ्रेंड्स पैसी वॉइस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में काइंडली का प्रयोग होता है ओके यदि आपके मन में ये बात आ रही है कि रिक्वेस्टेड क्यों नहीं हटा सकते हैं तो इसका जवाब ये है क्योंकि ये सेंटेंस जो है पैसी वॉइस में है पैसी वॉइस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है ना कि काइंडली का तो काइंडली यहाँ पर रिमूव हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर ओके सी इज़ द राइट आंसर काइंडली और रिक्वेस्टेड का प्रयोग एक साथ में नहीं होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप लोग याद रखिए कि काइंडली और रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं होता है एक्टिव वॉइस में काइंडली का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है तो यहां पर काइंडली को आप लोगों को हटाना पड़ेगा सी इज द राइट आंसर आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्वेश्चन नंबर टू पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेरिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल नो एरर रिस्पॉन्स इमिडिएटली पार्ट ए मेर है पार्ट बी में इरर है पार्ट सी में इर है या डी में इरर है या फिर नो इरर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग क्लास को अटेंड करिए आप लोगों को लगेगा क्लास जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर टू रिस्पॉन्स पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेरिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी इनवर्सली कंडेम्ड बाई आल यहाँ पर पार्ट डी में इर है इनवर्सली के साथ बाई आल का प्रयोग नहीं होगा ओके यहाँ पर आप लोगों को बाई आल रिमूव करना पड़ेगा बाई आल का प्रयोग क्या है यहाँ पर सुपरफ्लूस है सुपरफ्लूस मीन्स होता है जिसकी जरूरत ना हो ओके okay. यहां पर जो बाई आल है क्या है सुपर फ्लूअस है इसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कोई आवश्यकता नहीं है डी इज द राइट आंसर सिंपल से याद रखना है यदि सेंटेंस में इनवर्सली का प्रयोग हुआ है तो बाई आल का प्रयोग नहीं होगा ओके डी इज द राइट आंसर आर यू गेटिंग माई पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर थ्री विथ इन एन आवर्स जर्नी बी विल अप्रोच नियर पटना क्वेश्चन नंबर थ्री है विथ इन एन आवर्स जर्नी बी विल अप्रोच नियर पटना नो इरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या फिर ई नो इरर क्वेश्चन नंबर थ्री वंस अगेन पार्ट सी में इरर है पार्ट सी में क्या है इरर है फ्रेंड्स क्या इरर है ध्यान दीजिए अप्रोच मींस होता है नजदीक पहुंचना तो यहां पर जो नियर है नियर का यहां पर यूज क्या है सुपरफ्लूस है यहाँ पर नियर की कोई आवश्यकता नहीं है ओके यहां पर आप लोगों को नियर को हटाना पड़ेगा क्योंकि अप्रोच मींस होता है नजदीक पहुंचना नजदीक पहुंचना या नजदीक आना ओके और नियर मीन्स होता है नजदीक अप्रोच में नजदीक यानी नियर का जो अर्थ है वो समाहित है ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट यहाँ पर जो नियर है सुपरफुलस है नियर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा सी इज द राइट आंसर ओके क्योंकि अप्रोच के साथ नियर का प्रयोग नहीं होता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि अप्रोच मींस होता है नजदीक आना क्या होता है नजदीक आना अप्रोच मीन्स होता है नजदीक आना यहां से नियर रिमूव करिए सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्वड वाट वुड यू हैव डन नो एरर माई डियर फ्रेंड्स रिस्पॉन्स इमिडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर पार्ट ए में इरर है पार्ट बी में इरर है पार्ट सी में इरर है या पार्ट डी में इर है या फिर नो no एर है सेंटेंस राइट right है यदि आप लोगों को लग रहा right है कि सेंटेंस राइट है ओके है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलिए रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर पार्ट ए में इर है क्या इरर है सपोज सपोज और इफ का यूज एक साथ नहीं होता है या तो सपोज यूज होगा या फिर इफ यूज होगा ओके यहाँ पर सपोज और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं होता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सपोज़ तथा इफ का प्रयोग एक साथ नहीं होता है क्योंकि सपोज मीन्स होता है मानो या यदि सपोज मीन्स क्या होता है यदि इफ मीन्स क्या होता है यदि ओके सपोज मीन्स होता है मानो इफ मीन्स क्या होता है मानो यानी यहाँ पर दोनों का अर्थ क्या होता है यद या मानो ओके okay. तो यहां से या तो आप सपोज हटाइए या फिर आप एफ हटाइए पार्ट ए मेरा रहे ओके okay. तो ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वैन ही लेट मी सम बुक्स ही आस्ड मी टू रिटर्न देम बैक बाई द एंड ऑफ द मंथ नो इर पार्ट ए में इर है पार्ट बी में इर है पार्ट सी में इर है या पार्ट डी में इर है या फिर नो एरर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फाइव वैन ही लेट मी सम बुक्स ही आस्ड मी टू रिटर्न देम बैक बाय द एंड ऑफ द मंथ इजी वन है रिस्पॉन्स करिए आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी में इर है पार्ट सी में इर है क्या इर रहे रिटर्न और बैक का यूज एक साथ नहीं होता है ओके या सेंटेंस में रिटर्न आ गया तब फिर आप लोगों को रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करना है रिटर्न मीन्स होता है वापस दे देना किसी चीज़ को वापस कर देना उसको बोलते हैं रिटर्न ओके बैक मीन्स होता है वापस वापस कर देना तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बैक है सुपरफ्लूस है यहाँ पर बैक की कोई आवश्यकता नहीं है पार्ट सी है यहाँ से आप लोगों को बैक को हटाना पड़ेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट रिटर्न के साथ बैग का प्रयोग नहीं होगा सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर ओके फ्रेंड्स और कौन कौन से वर्ड है ध्यान रखिएगा रिटर्न आ जाए रिटर्न आ जाए या फिर रिट्रीट आ जाए रिटर्न हो या रिट्रीट हो या फिर रिसीड हो क्या हो रिसीड हो रिसीड हो, हो या फिर रिम्बर्स हो, ओके इन वर्ड को याद रखना रिटर्न आ जाए रिट्रीट आ जाए रिसीड आ जाए रिम्बर्स आ जाए इन सभी वर्ड के बाद बैक का प्रयोग नहीं होता है बैक का प्रयोग नहीं होता है ओके रिटर्न रिट्रीट रिसीड रिम्बर्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट आगे बढ़ा जाए रिट्रीट रिटर्न रिसीड रिम्बर्स के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहां पर बैक को रिमूव करना पड़ेगा सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द करेंस नो इरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए में इर है पार्ट बी में इरर है पार्ट सी में इरर है या डी में इरर है या फिर नो इरर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर सिक्स ही डिनाइड ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द आकरेंस नो इरर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए यहाँ पर पार्ट बी में इ है डिनाइड मीन्स होता है मना कर देना किसी चीज को इनकार कर देना डिनाइड ओके डिनाइड मीन्स क्या होता है मना कर देना मना करना या किसी चीज को इनकार कर देना तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नाट है नाट का प्रयोग सुपरफ्लूस यहाँ से नाट आप लोगों को हटाना पड़ेगा क्योंकि डेनाई में नाट का जो अर्थ है वो ऑलरेडी है ओके okay? तो यहां पर नाट का प्रयोग जो है सुपरफ्लूस है यहां पर नाट की कोई आवश्यकता नहीं है आर यू गेटिंग माई पॉइंट यहां से नाट आप लोगों को हटाना पड़ेगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द सी एम सेट दैट इट वॉज हिज डिसीजन एंड दैट नो बॉडी कुड गेट इट चेंज्ड नो एर चलिए आंसर किस करिए पार्ट ए मेर है पार्ट बी में एर है पार्ट सी में इरर है या पार्ट डी में एर है या फिर नो एरर है रिस्पॉन्स इमिडिएटली क्वेश्चन नंबर सेवन द सी एम सेट दैट इट वॉज ही डिसीजन एंड दैट नो बॉडी कूड गेट इट चेंज्ड नो एरर इजी वन है फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी में इरर है यहाँ पर डबल कंजक्शन है एंड और दैट यहाँ पर दैट को हटाना पड़ेगा दैट का प्रयोग यहाँ पर क्या है सुपरफ्लूस है अनावश्यक है यहाँ पर दैट का प्रयोग होना नहीं चाहिए ओके सेंटेंस को राइट करना है तो यहां से आप लोगों को दैट को रिमूव करना पड़ेगा सी इज द राइट आंसर आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि यहां पर डबल कंजक्शन है डबल कंजक्शन नॉट अलाउ ओके यहां पर दैट कंजक्शन आ आ चुका है यहां पर दैट का प्रयोग सुपर है तो पार्ट सी में जो दैट का यूज हुआ है वो सुपरफ्लूअस है सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट माय फादर आस्केड मी इफ आई हैड शफिसंट एनफ मनी टू पे द फीस नो एरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए में इरर है पार्ट बी में इरर है सी में इरर है डी में इर है या फिर नो इर है रिस्पॉन्स इमिडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर माई फादर आस्केडमी इफ़ आई हैड सफिशेंट एनफ मनी टू पे द फीस नो इरर इजी वन है फ्रेंड्स वंस अगेन पार्ट सी में इर है यहां पर पार्ट सी में क्या है इरर है सफिसेंट और एनफ का यूज एक साथ नहीं होता है यहाँ से आप लोगों को एन एफ को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पर जो एन एफ का यूज हुआ है सुपरफ्लूस है यहाँ से एन एफ को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा क्योंकि सफिशेंट में होता है पर्याप्त एन एफ मीन्स होता है पर्याप्त ओके तो सफीसेंट और एन एफ़ का यूज एक साथ नहीं होता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट कभी भी योग यूज नहीं हो सकता है सफिशेंट आए सफिशेंट के बाद एनफ आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ओके किसी भी कंडीशन में सफिशेंट और एन का यूज एक साथ नहीं हो सकता है पार्ट सी में इधर है तो सी इज़ द राइट आंसर क्या इधर है यहां से एनफ को आप लोगों को हटाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन नो एरर रिस्पॉन्स पार्ट ए में इरर है पार्ट बी में इरर है पार्ट सी में इरर है या पार्ट डी में इरर है या फिर नो इरर है यदि आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन राइट right है तो योर आंसर इज द ई चलिए रिस्पॉन्स इमीडिएटली द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन नो इरर फ्रेंड्स पार्ट डी में इरर है यहाँ पर पार्ट डी में इरर है क्या इरर है यहाँ पर अगेन का जो यूज हुआ है सुपरफ्लूस है अनावश्यक है यहाँ पर अगेन का यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि रिपीट रिपीट मीन्स होता है दोहराना रिपीट मीन्स क्या होता है दोहराना तो फ्रेंड्स अगेन मीन्स होता है फिर से दोबारा तो यहाँ पर अगेन का यूज अनावश्यक है सुपरफ्लूस है यह सेंटेंस आप लोगों को राइट करना है तो पार्ट डी में जो अगेन का यूज हुआ है अगेन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा डी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट गॉट इट यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन द प्रिंसिपल फॉरवेड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज अ वाकआउट नो एरर गैस आंसर पार्ट ए में एर है पार्ट बी में एरर है पार्ट सी में एर है पार्ट डी में एरर है या फिर नो एरर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर टेन द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज अ वर्क आउट नो एरर फ्रेंड्स यहां पर पार्ट बी में एर है ध्यान दीजिए फॉरवेड फॉरवेड हो गया फॉरवेड और अनिल फॉरवेड एंटेल डेनाई क्या हो जाएगा डेनाई फॉरवेड डेनाई अनटेल फ्रेंड्स और क्या हो जाएगा लेस्ट क्या हो जाएगा लेस्ट टी लेस्ट ध्यान दीजिए फॉरबेड डेनाई अनटिल लेस्ट और क्या हो जाएगा टिल क्या हो जाएगा टिल इन सभी के बाद नाट का प्रयोग नहीं होता है नाट का प्रयोग नहीं होता है फॉरबेड आ जाए फॉरबेड आ जाए ओके अंटिल आ जाए लेस्ट आ जाए डेनाई आ जाए ये सभी जो वर्ड हैं इन सभी वर्ड के बाद नाट का प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ पर जो पार्ट बी में इरर है पार्ट बी में इरर है यहाँ से नाट आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा बी इज द राइट आंसर ओके फॉर्वर्ड हो गया टिल हो गया एंटिल हो गया लेस्ट हो गया इन सभी के बाद नाट अलाउ नहीं होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन द पेशेंट इज कंपरेटिवली बेटर टूडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेट द डॉक्टर नो इरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए मेरा है पार्ट बी में रहे पार्ट सी में पार्ट डी मेरा या फिर नो एरर है द पेशेंट इज कंपरेटिवली बेटर टू एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून शेड द डॉक्टर गैसर आंसर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट ए मेर है यहां पर डबल कंपरेटिव डिग्री है कंपरेटिवली और बेटर यहाँ से एक कंपरेटिव डिग्री को आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा ओके यहाँ पर जब बेटर का यूज हुआ है या तो यहाँ से आप लोग बेटर को रिमूव करिए या फिर यहाँ से आप लोग कंपरेटिवली को रिमूव करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को ये कंपरेटिवली को हटाना पड़ेगा सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा पार्ट ए में इधर है तो ए इज द राइट आंसर आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके नेक्स्ट कंपेटिवली बेटर का यूज एक साथ नहीं होता है तो यहां से कंपरेटिवली को आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा नेक्स्ट आपका जिन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेट दैट सी वुड लाइक टू सक्सीड हिम वैन हिज टर्म एक्सपायर्ड नो एरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए मेरा रहे पार्ट बी मेरा रहे पार्ट सी मेरा रहे पार्ट डी मेरा रहे या फिर नो no एरर है सेंटेंस राइट right है गैसर आंसर इजी वन है फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट ए में इर है पार्ट ए में क्या इर रहे यहाँ पर जो सिस्टर का यूज हुआ है सुपर है सिस्टर का यूज क्या है सुपर है ओके okay. सिस्टर का यूज यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड्स कजिन के साथ सिस्टर ब्रदर का प्रयोग नहीं होता है यदि आप लोग बोल रहे हैं कि माई कजिन ब्रदर माई कजिन सिस्टर तो आप लोग सेंटेंस को रॉन्ग बोल रहे हैं क्योंकि कजिन के साथ ना तो सिस्टर का यूज होगा ना ही ब्रदर का यूज होगा ओके फिर आप लोग बोलेंगे सर जी पता कैसे चलेगा कि कजिन का यूज ब्रदर के हुआ ब्रदर के लिए हुआ है या सिस्टर के लिए हुआ है ध्यान दीजिए तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज होगा अकॉर्डिंग टू तो उसके अनुसार ध्यान दीजिए सेंटेंस को कह दिया जाए ही इज माई कजिन ही इज माई कजिन याद है सी इज माई कजिन ओके यह सेंटेंस में ही है तो सिंपल सा पता लग जाएगा कि यहां कजिन की जो बात कर रहा है तो यहां पर चचेरा भाई है क्या है चचेरा भाई है सेंटेंस में सब्जेक्ट सी लगा हुआ है तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि चचेरी बहन की बात की जा रही है ओके तो कजिन के साथ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है यह सेंटेंस में ही है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो कजिन का प्रयोग हुआ है ब्रदर के लिए हुआ है यह सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहां पर जो कजिन का प्रयोग हुआ है सिस्टर के लिए हुआ है ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन यस्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर बट एट वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्बेड नो एरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए मेरा रहे पार्ट बी मेरे रहे पार्ट सी मेरे रहे या पार्ट डी मेरा रहे या फिर नो इधर रहे रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर थर्टीन फ्रेंड्स यहां पर पार्ट ए मेरे रहे एस्टरडे के स्थान पर लास्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा लास्ट नाइट क्या हो जाएगा उाइल लास्ट नाइट ओके जो यहां पर लिखा हुआ है एस्टरडे इन द नाइट एस्टरडे इन द नाइट के स्थान पर लास्ट नाइट का प्रयोग होगा ओके okay? तो ए इज द राइट आंसर पार्ट ए मेरा रहे इसलिए ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिस इज द न्यू बुक व्हिच माय फादर बॉट इट फॉर यू नो एरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए में इरर है पार्ट बी में इरर है पार्ट सी में इरर है पार्ट डी में इरर है या फिर नो एरर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली वाट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी दिस इज़ द न्यू बुक व्च माई फादर बॉट इट फॉर यू नो एरर फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी में इरर है क्वेश्चन नंबर जो फोर्टीन है पार्ट सी में एर है क्या एरर है यहाँ पर जो इट का यूज हुआ है ये सुपरफ्लूस है क्योंकि सेंटेंस में व्इच हुइच का जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज हुआ है व्इच हिच का एंटीसीडेंट क्या है बुक है क्या है बुक तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुक है इसलिए जो इट का यूज हुआ है बुक के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर इट का जो प्रयोग है सुपरफ्लूस है सेंटेंस आप लोगों को राइट करना है तो यहाँ से इट को रिमूव करना पड़ेगा सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर क्योंकि यहां पर जो यह वर्ब जो है बॉट बॉट का जो ऑब्जेक्ट है वो ह्च है क्या है ह्च है दिस इज द न्यू बुक ये नई पुस्तक है ह्च हुइच माने जिसको बॉट मीन्स खरीदा जिसको खरीदा तो फ्रेंड्स यहाँ पर बॉट का जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ह्च हो जाएगा तो यहाँ पर इट्स आपका क्या हो जाएगा सुपरफ्लूस यहाँ से इट को आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा पार्ट सी है इसलिए सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द थिंग द थिंग वाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर नो एरर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिस्पॉन्सिमिडियटली पार्ट ए में है पार्ट बी में एर है पार्ट सी में एर है पार्ट डी में एर है या फिर नो no एरर है द थिंग वाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फ्रेंड्स यहां पर पार्ट ए मेरे यहां से आप लोगों को द थिंग को रिमूव करना पड़ेगा द थिंग का जो यूज हुआ है सुपर फ्लूस है यहां पर द थिंग कि कोई आवश्यकता नहीं है तो ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ओके या तो आप ये करिए थिंग को रिमूव कर दीजिए या फिर आप थिंग को नहीं रिमूव कर रहे हैं तो आपका जो सेंटेंस में जो वाट यूज हुआ है वाट इस वाट को आप कर दीजिए दैट में बदल दीजिए या फिर कर दीजिए हुइच क्या कर दीजिए हुइच ओके सेंटेंस दो तरीके से राइट हो सकता है या तो फिर आप दाथिंग को रिमूव कर दीजिए यदि दाथिंग को नहीं हटा रहे हैं तो वाट को आप दैट में बदल दीजिए वाट के स्थान पर या तो आप दैट यूज कर दीजिए या फिर हुइच यूज कर दीजिए सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा ओके तो पार्ट ए मेरा रहे तो ए इज द राइट आंसर ओके यू गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि वाट जो है ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है यूज हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन

एंड वाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर नो इरर फ्रेंड्स यहाँ पर जो इरर है पार्ट बी में इरर है यहाँ पर जो टू का यूज हुआ है सुपर फ्लूस है यहाँ पर टू का जो प्रयोग है क्या है वो सुपर फ्लूवस है यहाँ से आप लोगों को टू को रिमूव करना पड़ेगा ओके तो बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर टू का यहाँ पर प्रयोग जो हुआ है वो अनावश्यक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इन डेली ही केम में क्रॉस विद मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड दियर नो एरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए मेरा है पार्ट बी मेरा है पार्ट सी मेरा है पार्ट डी मेरा है या फिर नो no एरर है इन डेली ही केम ए क्रॉस विद माइनी ऑफ इज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड दियर वन है पार्ट बी में इर है यहाँ पर पार्ट बी में इर है क्या इरर है ध्यान दीजिए केम ए क्रॉस मीन्स होता अचानक मुलाकात हो गई तो कम ए क्रास ये फ्रेज है कम ए क्रॉस कम एक रास मीन्स होता है किसी के साथ अचानक मुलाकात हो जाना तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बिथ का यूज हुआ है सुपरफ्लूस है कम एक रास के साथ प्रेबजिशन बिथ का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर जो बिथ है बिथ को आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा तो बी इज़ द राइट आंसर ओके क्या करिए आप लोग यहाँ से बिथ को आप लोग रिमूव कर दीजिए आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा ओके यह फ्रेज है कम एकरास कम एक के साथ प्रेबूशन विथ का प्रयोग नहीं होगा बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन प्रोबेबली ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विथ बैग एंड बैगेज नो एरर रिस्पॉन्स इमिडिएटली पार्ट ए मेरा रहे पार्ट बी मेरा रहे पार्ट सी मेरा रहे डी में रहे या फिर नो no इधर है फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आप लोग क्लास अटेंड करिए आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रोबेबली वाई द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर यूएसए विथ बैग एंड बैगेज फ्रेंड्स वंस अगेन पार्ट डी में इरर है क्या इरर है यहाँ पर बिथ का जो यूज हुआ है सुपरफ्लूस है यहाँ पर बिथ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि जो फ्रेज है बैग एंड बैगेज ये ई है बैग एंड बैगेज जो ई होते हैं वो फिक्स होते हैं ई के साथ हम कोई बदलाव नहीं कर सकते तो बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ सभी वस्तुओं के साथ कहीं पर शटल हो जाना ओके तो यहाँ पर बैग एंड बैगेज में बिथ का अर्थ क्या है निहित है इसलिए यहाँ पर बिथ का प्रयोग सुपरफ्लूस है यहां से आप लोगों को बिथ को रिमूव करना पड़ेगा तो इज द राइट आंसर इज द राइट आंसर ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट थ को आप रिमूव कर दीजिए सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा क्योंकि बैग एंड बैगेज के साथ प्रेबिशन विथ यूज नहीं होता है दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हैज सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट नो इरर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पार्ट ए मेरा रहे पार्ट बी में एरर है पार्ट सी में एरर है डी में एरर है या फिर नो no एरर है रिस्पॉन्स इमिडिएटली दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हैज सरप्राइज द इंटेलेक्चुअल टू अ ग्रेट एक्सटेंट नो एरर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन यहाँ पर पार्ट बी में एरर है पार्ट बी में एरर क्या है यहाँ पर जो अपेस्ट्रोफी यश का प्रयोग हुआ है यह सुपरफ्लूस है क्या है सुपरफ्लूस है अनावश्यक है सुपर फ्लूस मीन्स क्या होता है अनावश्यक जिसकी जरूरत ना हो या जिसकी आवश्यकता ना हो तो पार्ट बी में इरर है क्या इरर है अपेस्ट्रॉफी यश का यूज नहीं होगा ओके जो अपेस्ट्रॉफी है यस का प्रयोग सुपरफ्लूस है सिंपल से याद रखना है जब नाउन ऑफ नाउन का कंस्ट्रक्शन होगा तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा आर्टिकल द यूज किया जाएगा ओके तो, नेक्स्ट

पार्ट बी मेर है पार्ट सी मेरर है पार्ट डी मेरर है या फिर नो no इर है टू रिस्टेंट इंसिडेंट्स एम्प्लाई एलिस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पोलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री नो एरर फ्रेंड्स पार्ट बी में इरर है एलिस्ट्रेट के साथ अबाउट का यूज नहीं होगा ओके okay? यहाँ पर अबाउट का जो प्रयोग है सुपरफ्लूस है सेंटेंस को राइट करने के लिए यहां से हम क्या करेंगे अबाउट को रिमूव कर देंगे अबाउट को रिमूव कर देंगे क्योंकि इलस्ट्रेट मीन्स होता है किसी के बारे में चर्चा करना या वर्णन करना ओके okay? इलिस्ट्रेट के साथ अबाउट का यूज नहीं होता है ओके okay? अबाउट का प्रयोग नहीं होगा बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर बी मस्ट वेट फॉर क्वेटर टाइम्स बिफोर द कलेम्स ऑफ सिविलजेशन कैन अगेन और राइड ओवर द कलेम्स ऑफ द पार्टी स्प्रिट नो एरर रिस्पॉन्सिबिलिटली पार्ट ए मेरा रहे पार्ट बी मेरा रहे पार्ट सी मेरर है या डी मेरर है या फिर नोयर है Friends, पर हैप वी मस्ट वेट फॉर क्विटर टाइम्स बिफोर द क्लेम्स ऑफ सिविलेशन कैन अगेन ओवर राइड ओवर द क्लेम्स ऑफ द पार्टी स्प्रिट नोयर फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी मेरे ओवर राइड के बाद ये ओवर का यूज सुपरफ्लूस है यहाँ पर ओवर का प्रयोग नहीं होगा ओके सुपर फ्लूअस है अनावश्यक है यहां से आप लोग क्या करिए इस ओवर को आप लोग रिमूव कर दीजिए सेंटेंस राइट हो जाएगा तो पार्ट सी में रहे इसलिए सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू थ्राआउट द होल ईयर दियर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस नो एरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए मेरा रहे पार्ट बी मेरा रहे पार्ट सी मेरा रहे डी मेरा रहे या फिर नो इधर रहे रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फ्रेंड्स यहां पर पार्ट ए मेरा रहे यहां पर जो है थ्राउट का यूज सुपरफ्लूस है थ्राउट का प्रयोग यहां पर नहीं होना चाहिए या तो सेंटेंस होना चाहिए द होल ईयर क्या होना चाहिए द होल ईयर ऐसे कर दीजिए द होल ईयर तब भी सेंटेंस राइट right हो जाएगा या फिर आप कर दीजिए थ्राउट थ्राउट द ईयर थ्राउट द ईयर यदि थ्राउट द ईयर कर देंगे तब भी सेंटेंस राइट right हो जाएगा द होल ईयर कर देंगे तब भी सेंटेंस राइट right हो जाएगा ओके तो यहां से आप लोग क्या करिए थ्राउट को रिमूव कर दीजिए द होल ईयर सेंटेंस इज राइट ओके यदि आप नहीं चाहते हैं कि थ्राउट ना रिमूव किया जाए तो आप लोग क्या करेंगे यहां से होल को रिमूव कर देंगे या तो आप थ्राउट रिमूव करिए या फिर फूल को रिमूव करिए सेंटेंस राइट होगा ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट या तो थ्राउट रिमूव करिए या फिर फूल को रिमूव करिए ए इज द राइट आंसर पार्ट ए मेरा रहे इसलिए ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड नो एरर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए मेंरर है पार्ट बी में एरर है पार्ट सी में एर है डी में एरर है या फिर नो no एरर है इस्पांस इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द रीजन यदि सेंटेंस द रीजन से स्टार्ट है तो ध्यान दीजिएगा द रीजन वाले सेंटेंस में बिकज का यूज नहीं होता है यहाँ पर जो बिकज है सुपर फ्लूवस है क्या है सुपर फ्लूवस है यहाँ पर बिकज का प्रयोग नहीं होगा पार्ट सी में रहे सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि सेंटेंस द रीजन से स्टार्ट है तो द रीजन के बाद कभी भी एक साथ में सेंटेंस में यदि द रीजन आया है तो बिकज का प्रयोग नहीं होगा ओके तो यहां से आप क्या करेंगे बिकज को हटा देंगे कभी भी द रीजन बिकज का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है तो पार्ट सी में इधर है तो सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मैनी पीपल डू नॉट मैनी पीपल डोंट हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर दैट हैव लेड द स्टेट टू सो मैनी क्राइसिस नो एरर रिस्पॉन्स इमीडिएटली पार्ट ए में इर है बी में इर है सी में इर है डी में इरर है या फिर नो एरर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स यहां पर पार्ट ए में एर है क्या एरर है ध्यान रखिए हार्डली हार्डली आ जाए या फिर स्कार्सली हार्डली हो या फिर क्या हो जाए स्कार्सली हो जाए हार्डली scarcely यदि हार्डली स्कार्सली आ रहा है तो हार्डली और scarcely में नाट का जो अर्थ होता है वो निहित होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर डोंट आप लोगों को हटाना पड़ेगा यहां पर डोंट का जो प्रयोग है सुपरफ्लूस है हार्डली के साथ के साथ डोंट या डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है डोंट या डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो पार्ट ए मिरर है इसलिए ए इज इस द राइट आंसर ओके फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिएगा हार्डली और स्केशली के बाद यदि सेंटेंस में हार्डली स्केरसली का यूज हुआ है तो हार्डली और स्केयरसली के बाद कंजक्शन क्या आएगा होन क्या यूज करेंगे होन या आप होन यूज कर दीजिए या फिर आप बिफोर ओके होन या बिफोर या सेंटेंस में हार्डली स्केरसली आया है तो सिंपल से याद रखना है डू नॉट या डोंट यूज नहीं होगा हार्डल्यू स्कर्सली के बाद जो कंजक्शन आएगा या तो वेन आएगा या फिर बिफोर आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे लास्ट वन दे वर क्वाइट ऑल राइट वैन दे स्टार्टेड एरगिंग विथ द शो कॉल्ड ऑफिसर नो एरर सेंटेंस है दे वर क्वाइट ऑल राइट वैन दे स्टार्टेड एरगिंग विथ द शो कॉल्ड ऑफिसर नो एरर पार्ट ए मेरर है पार्ट बी मेरर है सी मेरर है डी मेरर है या फिर नो no एरर है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट ए में इर है पार्ट ए में क्या है एरर है क्या एरर है कभी भी राइट right के साथ क्वाइट का प्रयोग नहीं होगा यहाँ से आप क्या करेंगे ये जो क्वाइट है इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि क्वाइट का जो यहां पर यूज है सुपरफ्लूस है अनावश्यक है ओके सिंपल से याद रखना है क्वाइट आएगा तो आल नहीं आएगा आल आएगा तो क्वाइट नहीं आएगा ओके तो यहां से आप क्या करिए क्वाइट को हटा दीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर सिंपल से याद रखना है क्यू यू आई टी क्वाइट के साथ आप लोगों को आल का प्रयोग नहीं करना है आल आएगा तो क्वाइट नहीं आएगा क्वाइट आएगा तो आल नहीं आएगा तो यहाँ से क्या करना है ऑल राइट कहना ठीक है तो इसलिए यहाँ से क्वाइट को आप लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे ओके तो पार्ट ए मेरा रहे इसलिए ए इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी रही फ्रेंड्स आप लोग क्लास अटेंड तो करते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं आप लोग कमेंट करिए बताइए क्लास कैसी है सुधार की आवश्यकता है या नहीं है क्लास कैसी लगी आप लोगों को फीडबैक तो देना चाहिए यदि क्लास आप अटेंड करें क्लास तक आते हैं वॉच करते हैं तो कमेंट अवश्य लिखें फ्रेंड्स यदि चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें थैंक यू फॉर वाचिंग।